हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सुहाने। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। वैसे तो विंटर्स में कुछ करने का मन ही नहीं करता, बट क्या करें, अचानक से जब बारिश हो जाए तो ऑब्वियसली सबको पकौड़े ही याद आते हैं। बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। अभी तो हमारे शहर में हो रही है 2 दिन से बारिश। बारिश हुई तो पकौड़े बनना तो तय है। किस किस के शहर में बारिश हो रही है कमेंट में जरूर बताएं, और इस बारिश में पकौड़े किसने बनाए हैं ये भी बताएं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन से पकौड़े बनाए हैं। तो आज मैंने बनाए हैं बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी हरी प्याज के पकौड़े। और इसमें खास क्या है पता है? मैंने इसमें ऐड की है मटर, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और बिना मटर के तो कोई रेसिपी बन ही नहीं सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी टेस्टी क्रिस्पी हरी प्याज और मटर के पकौड़े की रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बोल जिसमें हमें सारी चीज़ें मिक्स करना है। तो यहाँ मैंने ये ले ली है हरी प्याज। स्प्रिंग अनियन को हमें एकदम रफली चॉप करना है, लेकिन चॉप करने से पहले इसे अच्छे से वॉश करना है। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मटर के दाने, जिन्हें मैंने हल्का क्रश कर लिया है। और साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक। आप चाहें तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मिक्सी में डालकर एक बार ग्राइंड कर लें और हल्का दरदरा करके इसमें ऐड कर लें। अब इसमें जाएगी बारीक चॉप की हुई करी लीव्स। करी लीव्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और ये टेस्ट भी बढ़ाती है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें। अब इसमें जाएगा भजिए या पकौड़े का मेन इंग्रेडिएंट बेसन। मैंने यहाँ हल्का दरदरा वाला 1.5 कप बेसन लिया है। और बेसन की किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी अजवाइन। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मोटा दरदरा धना। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट में इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे घर का पिसा हुआ गरम मसाला। और इसे कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई हरी धनिया, जो सभी रेसिपीज़ की जान होती है। फाइनली सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। इसे मिक्स करें और ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी ऐड करते जाएं। मैंने अभी सिर्फ 1/2 कप पानी ऐड किया था, अब इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड इसलिए करना चाहिए ताकि जो बेसन है उसके गुठले ना बने, लम्स ना बने। एंड एक साथ ज़्यादा पानी ऐड करने से मिक्सचर ज़्यादा गीला भी हो सकता है, इसलिए हमेशा पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। मैंने इतने मिक्सचर में लगभग 1 कप पानी ऐड किया है। पूरा मिक्सचर रेडी होने के बाद इसे लगभग 30 सेकंड तक फेंटते हुए मिक्स करना है। इससे पकौड़े फ्लफी बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे और इसमें सोडा भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। 30 सेकंड के बाद इसे आप तुरंत ही फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये एक स्पून ली है, इससे हम पकौड़ों को कढ़ाई में डालेंगे। आप हाथ से भी बना सकते हैं, बट स्पून से डालने में गर्म तेल के छींटे हाथ में नहीं लगते हैं और पकौड़े सेम साइज़ के बनकर तैयार होते हैं। पकौड़ों को हम हाई हीट ऑयल में मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हाई हीट ऑयल में डालने से पकौड़े ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और मीडियम फ्लेम पर सेकने से ये एक से कलर के सिककर तैयार होते हैं। भजिए हो, पकौड़े हो या मंगौड़ी, इन सभी चीज़ों को हमें हाई हीट ऑयल में डालकर मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना चाहिए। पकौड़े एक साइड से सिककर तैयार हो चुके हैं, अब इन्हें हम पलट कर भी सेक लेंगे। पकौड़ों को हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर का सेककर तैयार करना है। और आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन्हें ज़्यादा खराब भी सेक सकते हैं और कम भी सेक सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप सेक कर इन्हें तैयार करें। तो आज मैंने जो रेसिपी बनाई है हरी प्याज और मटर के पकौड़े की, उसमें एक खास ट्रिक और ट्रिप है जो मैं आपको देना चाहूँगी। इसमें मैंने जो हरी मटर ऐड की है उसे हल्का सा दरदरा करके ऐड किया है। कभी भी भजिए पकौड़े में साबुत मटर का यूज़ ना करें, क्योंकि कई बार जब गर्म ऑयल में मटर डालते हैं तो वो फटने लगती है, इससे आप जल भी सकते हैं।
तो जब भी आप डीप फ्राई वाली रेसिपी में अगर मटर यूज कर रहे हैं तो उसे हल्का दरदरा करके यूज करें। मटर को आप मिक्सी के जार में, चॉपर में और खलपट्टे में भी हल्का दरदरा कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हरी प्याज और मटर के टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े सिककर तैयार हैं। तो इन्हें हम ऑयल से बाहर निकाल देंगे और सेम इसी तरह सारे पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है, झटपट से ये पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इंतज़ार किस बात का, जल्दी से आप भी बनाइए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी हरी प्याज और मटर के पकौड़े। सर्दियों का मौसम है, हरी प्याज घर में ना हो तो जो भी भाजी घर में है आप उससे ये पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। पालक हो या मेथी, बथुआ हो या कोई और भाजी, किसी भी भाजी से आप ये पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इसी तरह की हेल्दी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। If you like this recipe, so please like, share and subscribe. Thank you.